हेलो एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप टिप्स विद भाग्य राणा। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, और ये वीडियो है स्किन केयर रूटीन की। तो आज मैं रॉ मिल्क से फेशियल कैसे करना है मैं वो बताऊँगी, एंड ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक मेकअप किया था, वो कंसीलर मेकअप था, एंड कंसीलर से एक ब्यूटीफुल मेकअप कैसे करना होता है वो मेकअप किया था मैंने। तो हाँ, मैंने वो ये मेकअप को 6 to 7 hours अपने फेस पे रखा था। अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। तो रिमूव करने के लिए मैंने लिया है मेबेलिन का माइसलर वाटर, ये मेकअप रिमूवर है, एंड इससे आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से रिमूव होता है। तो मैंने कॉटन के हेल्प से अपने पूरे फेस पे मैंने इसे रिमूव किया है अपने मेकअप को, आईज़ पे एंड अपने पूरे फेस, नेक, जहाँ जहाँ मैंने अपना मेकअप फाउंडेशन अप्लाई किया था वहाँ वहाँ मैं अपने इसको रिमूव करूँगी कॉटन बॉल की हेल्प से। तो इसे अच्छे से रिमूव करना है, एंड ये इसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी, एंड देन एक क्लीन टॉवल की हेल्प से मैं अपने फेस को वॉश लूँगी। इसके बाद मैं क्लींजिंग करूँगी। क्लींजिंग के लिए मैंने लिया है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क आपके फेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मिल्क में इम्प्योरिटी एंड ऑयल को रिमूव करने की क्षमता होती है विद द हेल्प ऑफ फैट सॉल्युबल एंजाइम लाइपेसिंग। इसमें लैक्टिक एसिड है जो आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। ये मिल्क ड्राई स्किन, नॉर्मल एंड ऑल टाइप स्किन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये मैं अपने फेस पे इसे 5 to 10 minutes रखूँगी अपने फेस पे, एंड देन हल्का हल्के हाथ से मसाज करूँगी, एंड देन नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर दूँगी। क्लिंजर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है रॉ मिल्क। हल्के हल्के हाथ से इस पर मसाज कर रही हूँ पूरे फेस पे, एंड देन फेस में हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हमें इन्हें प्रेस करने से जो हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है। इसके बाद मैं लूँगी स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने लिया है चावल का आटा, 2 चम्मच राइस फ्लावर लिया है, 1 चम्मच हनी लिया है, एंड 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है, 3 to 4 spoons मैंने रॉ मिल्क लिया है, एंड 1 full spoon मैंने नींबू का रस लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, एंड देन मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगाऊँगी, एंड उसे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मसाज करूँगी अपने नेक पे, पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करना है। आप इस स्क्रब को अपने हैंड्स पे, अपने बॉडी पे अच्छे से कर सकते हैं। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड इनएक्टिव प्रोटीन और डेड सेल्स को रिमूव करता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और फैट रफ स्किन को सॉफ्ट करता है और ड्राई स्किन को रिमूव करता है, एंड आपकी जो स्किन है स्क्रब करने के बाद बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है, एंड आप खुद अपने फेस को छुएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। रॉ मिल्क जो है वो स्किन से इम्प्योरिटीज, एक्सेस डेड स्किन और डर्ट पॉल्यूशन को रिमूव करता है, एंड स्किन पोर से डीपली रिमूव करता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, आपके स्किन टोन को लाइटन करता है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट स्क्रब है, और एक्ने स्किन वाले जो हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा स्क्रब है ये। तो ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए बेस्ट है। आप इसे अपने हैंड्स पे अच्छे से कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन में आप अपने हैंड्स पे, फेस पे इसे अच्छे से मसाज कीजिए, एंड देन 3 to 5 minutes करके इसे क्लीन एंड नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए, एंड लुक एट माई स्किन, बहुत सॉफ्ट लग रही है, बहुत स्मूथ लग रही है। एंड मुझे पर्सनली, मैंने अपना फेस जब छुआ था तो मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लगा था मेरा फेस। अब मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र एंड मसाज क्रीम कह सकते हैं, और यही फेस पैक है।
तो मैंने इसमें लिया है हनी, देन मैं लूँगी रॉ मिल्क, 2 टीस्पून रॉ मिल्क लिया है मैंने। अब मैं लूँगी एलोवेरा जेल, आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, मैंने पतंजलि का लिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया है। एंड देन मैं हाफ लेमन डालूँगी एंड इसे स्क्वीज करके इसे डाल दूँगी एंड देन अच्छे से मिक्स करूँगी। एंड इसमें मुझे दो चुटकी मैंने टर्मरिक पाउडर डाला है एंड इसे अच्छे से मिक्स करूँगी गाइस। एंड इसके बाद अगर आपके स्किन पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स हैं तो ये पिन की हेल्प से, सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे रिमूव कर सकते हैं। मेरे नहीं है लेकिन मैंने वीडियो के लिए मैंने किया है। एंड देन मैं कॉटन बॉल के हेल्प से मैं इसे पूरे फेस पे लगा लूँगी जो मैंने मिक्सचर बनाया है। इसे मॉइस्चराइज़र भी कह सकते हैं, मसाज क्रीम भी कह सकते हैं, जो हम फेशियल के टाइम में मसाज क्रीम लगाते हैं वो ही है ये। तो ये सारा वीडियो बनाते हुए मैं अपने बच्चे से बात कर रही थी। तो यस, मैंने इसे अच्छे से कॉटन बॉल के हेल्प से मैंने इसे पूरे फेस पे एंड मैं अपने हैंड्स पे भी अप्लाई करूँगी, नेक पे भी अप्लाई करूँगी। एंड देन इसे 10 मिनट के लिए मैं हल्का हल्के हाथों से मसाज करना है मुझे, तो मसाज करते रहना है। ये आपकी जो स्किन है उसको हाइड्रेट करता है, मिल्क में एंटी इन्फ्लेमेटरी सनबर्न को भी ठीक करता है एंड राइस में एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड एंड विटामिन बी, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है जो आपकी स्किन की डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है एंड आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। हनी आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेमन आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन सबको मिक्स करके मैंने एक मॉइस्चराइज़र और मसाज क्रीम बनाई है, तो ये बहुत ही बेस्ट है आपके फेस के लिए। एंड ये फ्रेंड्स आप इसे वीक में 2 to 3 times डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। आप कोई भी स्क्रब अगर आप वीक में 1 time करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं निकल के आता है, तो आप डेफिनेटली इसे वीक में 2 to 3 times डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, आपकी स्किन टोन पे डेफिनेटली फ़र्क आएगा, आपकी स्किन टोन लाइट होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फेस के कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं प्रेस कर रही हूँ जिससे मेरा जो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है एंड आपका पीएच बैलेंस अच्छा रहेगा। एंड इसे मैंने अपने फेस पे 10 मिनट के लिए मैंने मसाज किया था एंड 20 मिनट अपने फेस पे रहने दूंगी एंड देन मैं फेस को वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से एंड टॉवल की हेल्प से, क्लीन टॉवल की हेल्प से इसे पोंछ लूँगी। एंड देन लुक एट माय स्किन फ्रेंड्स, बहुत बहुत सॉफ्ट लग रही है मेरी स्किन। देखिए, मैं जैसे पकड़ के अपनी स्किन को दिखा रही हूँ, मुझे बहुत बहुत सॉफ्ट लग रही थी मेरी स्किन। एंड इसके बाद मैं नॉर्मल रूटीन करूँगी जो मैं करती हूँ स्किन केयर रूटीन। मैंने जीबी का क्यूक्यूमर टोनर लिया है, क्यूक्यूमर टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, इसे डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। एंड आप गाइस मेरे फेस पे ग्लो देख रहे हैं, मुझे अपना स्किन बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बार बार अपनी स्किन को छू रही थी। एंड इसके बाद मैं लूँगी डर्मडॉग का फेस सीरम, ये फिनिश हो गया है ऑयल, फिर भी है थोड़ा तो मैं इसे लगा रही हूँ, तो अपने फेस पे अच्छे से लगाइए। इससे आपकी जो स्किन है बहुत स्मूथ होती है, आपकी स्किन इल्यूमिनेट होती है, तो बहुत अच्छा है आपके फेस के लिए। एंड इसे मैं हल्के हल्के हाथों से मसाज करूँगी एंड या तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी स्किन को बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद मैं लूँगी मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, ये मुझे बहुत पसंद है मॉइस्चराइज़र, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे अपने फेस पे लगा लूँगी। ये आपके फेस पे लगाने के बाद इससे आपको फेस पे ऑयल ऑयल जो होता है ना जो लगाने के बाद फील करते हैं वो बिल्कुल फील नहीं होता, बिल्कुल आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करूँगी, तो लिप्स हाइड्रेट करने के लिए मैंने लिया है मेबेलिन का लिप
मैम इसमें एक पिंक कलर का टिंट है। इसके बाद मैं लूँगी निव्या का लोशन, बॉडी लोशन। ये मैं इसे अपने पूरी बॉडी पे लगा लूँगी, अभी फ़िलहाल हैंड्स पे लगाना है। एंड देन ये है मेरा फाइनल स्किन केयर रूटीन। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।